नमस्कार मित्रों, आज हम लखनऊ में गोमती नगर विवेक खंड स्थित नरेश सक्सेना जी के घर में हैं। यह लाइव जनसुलभ पुस्तकालय के जनसुलभ संवाद खंड के लिए उन्होंने अपनी सहमति दी, इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। और वे अपने व्यस्त दिनचर्या के बीच कुछ समय निकाल पाए हमारे लिए, हमारे अनुरोध पर हम इसके लिए आभारी हैं। मित्रों, जैसा कि अभी कुछ देर पहले के वीडियो में आपने सुना कि हम अभी नरेश सक्सेना जैसी शख्सियत की विभिन्न विधाओं में रुचि सक्रियता को क्रमवार समझेंगे, तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं यह वीडियो नरेश जी को ही सौंपता हूँ। और उनसे पहला सवाल तो यही करता हूँ कि वे स्वयं, जो मुझे लगता है कि किसी भी रचनाकार के साथ बातचीत करते हुए यह एक सवाल सहज ही मन में उठता है कि वे कृपया कर अपने बचपन और किशोर के उन दिनों में जाएं और हमें बताएं कि जब आज आप पलटकर देखते हैं अपने शुरुआती जीवन को, तो आप अपने जीवन के उन खंडों, उन अनुभूतियों, उन विचारों को कैसे पकड़ पाते हैं जिनमें आपको लगा कि आपके भीतर सर्जक के कुछ गुण थे, कुछ उस तरह की तड़प थी। नरेश साहब, नमस्कार। सभी श्रोता जो जुड़ गए होंगे इस बीच में, उन सबको और अर्पण कुमार जी को। अर्पण कुमार जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि सृजनात्मकता में उन शहरों का क्या योगदान रहा जो मेरे बचपन में या मेरी किशोरावस्था में, जहाँ मैं रहा जिन शहरों में। दरअसल आपकी सारी सृजनात्मकता आपके सारी इंद्रियों से बनती है। हमारी सारी भाषा, हमारे सारे संवेग, हमारा सब कुछ, जो कुछ हम, जिसको हम विचार कहते हैं, वो सारा हमारी इंद्रियता पर निर्भर करता है। आप ज़रा सोच कर देखिए, बड़े आश्चर्य की बात आपको लगेगी कि ऐसी कौन सी चीज़ है विचार में, भाषा में, जिसका संबंध हमारी इंद्रियों से नहीं है। हम देखते हैं, कोई शब्द लीजिए, शब्द लीजिए कि मैं जा रहा हूँ। अब जा रहा हूँ, जाने को अगर आपने देखा नहीं है कि जाना क्या होता है, तो आप क्या समझेंगे कि जा रहा हूँ मैंने, पता नहीं क्या हो रहा है। आपने अपनी आँखों से देखा है जाना, आपने कहा ये जगह बहुत अच्छी है। जगह, जगह क्या होती है? अगर आपकी आँखें नहीं हैं तो जगह का क्या मतलब होता है? जगह को आप छूकर ही देख सकते हैं, तो छूना जो है वो भी हमारी इंद्रियता का हिस्सा है, स्पर्श। कोई शब्द आप, कोई भाषा का कोई शब्द लीजिए, आप कहिए पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, दृश्य है। उड़ना क्या होता है? क्रियाएं हैं, सारी क्रियाएं, सारी संज्ञाएं, सारे स्पर्श, सारी गंध, सारे स्वर, सारी आवाज़ें हमने अपने कानों से सुनी है। अगर हमने ये न सुना होता तो भाषा, आप देखिए कि जिसको सुनाई नहीं देता वो गूंगा हो जाता है। ये आश्चर्य की बात है कि अगर सुनेंगे नहीं तो बोलेंगे कैसे। तो ये सारी हमारी जितनी इंद्रियां हैं हमारे देह की, उन सब से मिल करके हमारी सारी अनुभूतियां बनी हैं, और उन्हीं को भाषा में हम पेड़ कहते हैं। पेड़ को देखा नहीं हो तो पेड़ का क्या मतलब? फूल को सूंघा नहीं तो फूल की खुशबू का क्या मतलब? ये नाक जो है, ये आँख जो है, ये कान, इसने भाषा बनाई है, इसके बिना भाषा नहीं बनती।
ये बात समझ लीजिए, ये भाषा जिसको जिसके बिना हम कोई खोज नहीं कर सकते, जिसके बिना हम कोई आविष्कार नहीं कर सकते, विचार जो भाषा में होते हैं, लेकिन सारे विचार भाषा में ही नहीं होते, बहुत सी वैचारिकता भाषा में होती है, लेकिन बहुत सी वैचारिकता भाषा से बाहर भी होती है, लेकिन वो दृश्य में होती है, हमारे अनुभव में होती है। अगर हमने छू के देखा ना होता कि ठंडा क्या होता है, गर्म क्या होता है, बिना स्पर्श के ठंडे और गर्म का कोई मतलब नहीं। अगर हमारी स्पर्श की इंद्रियता नहीं होती हमारे अंदर, तो हम ठंडा गर्म नहीं जानते, बर्फ पड़ रही है, ठंडा है, सर्दी है, हम नहीं जानते क्या है। तो ये सारी इंद्रियता हमारी जो है, उसी ने हमारी भाषा, उसी ने हमारे विचार, उसी ने हमारी सारी कलाएँ कविताएँ, उसी से सिनेमा, उसी से, बिना उसके इस इंद्रियता से बाहर हम नहीं जा सकते, ये समझ लीजिए। इंद्रियता बहुत बड़ी चीज़ है। 6 महीने का बच्चा, भाषा तो नहीं आती उसे, घुटनों चलता है, दरवाज़ा अगर उसने खुला देख लिया तो वो उसे तुरंत ये विचार आता है कि इस वक्त दरवाज़ा खुला है और मैं बाहर निकल सकता हूँ, जिससे मुझे रोका जाता है, तो जल्दी जल्दी तेज़ घुटनों के बल चलता हुआ दरवाजे की तरफ जाएगा। ये विचार उसे कहाँ से आया? पिछले अनुभव से कि दरवाजे से बाहर जाया जा सकता है, और उस बिंब से कि दरवाज़ा खुला है, और पुराने अनुभव की स्मृति है कि दरवाजे से बाहर जा सकते हैं। ये जो स्मृति है, ये जो दृश्यात्मकता है, ये जो इंद्रियता है, इसी से हमारी सारी विचार प्रक्रिया, सारी रचना प्रक्रिया, तब शहरों का अनुभव कितना बड़ा हो जाता है। यानी मेरा बचपन ऐसी जगह पे बीता जहाँ पर कि 10 किलोमीटर आसपास कोई बस्ती नहीं थी, कोई घर नहीं था, कोई रहता नहीं था, हमारे मेरे माता पिता और मेरे अलावा कोई रहता ही नहीं था वहाँ, 2 चौकीदार रहते थे बस, वो डाक बंगला था। कहाँ? वो मुरैना से 25-30 किलोमीटर दूर एक जगह है जौरा, और जौरा से भी 10 किलोमीटर दूर एक आसन नदी है जो चंबल की सहायक नदी है, वहाँ पहाड़ी पर पगारा जगह का नाम पगारा है, और आप जानते हैं कि चंबल का पूरा जो क्षेत्र है वो डाकुओं का क्षेत्र है, तो उस इलाके में कोई बस्ती और कोई घर नहीं था, नीचे नदी बहती थी, ऊपर डाकबंगला था, उसी में मैं रहता था, कोई साथी नहीं था, बचपन में कोई खेलने के लिए कोई बच्चा नहीं था, तो पूरा दृश्य जो था, खरगोश थे, हिरन थे, गिलहरियाँ थीं, सांप बिच्छू थे, तुम्हारे